नमस्कार, आप देख रहे हैं निदेशक न्यूज। कैबिनेट मीटिंग में संकल्प पत्र के किए हुए वादों को पूरा किया। निदेशक शिक्षक मिले शिक्षा मंत्री से, रखी समस्याएं। शुरू करते हैं आज का ये समाचार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। मुख्य समाचार। अनुदेशकों ने की बेसिक शिक्षा विभाग मुखिया एवं अन्य लीडर्स से मुलाकात, रही समस्याएं। आज हुई कैबिनेट की मीटिंग, 14 प्रस्तावों पर हुआ विचार। मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक अनुदेशक शिक्षा मित्रों का विवरण जल्द से जल्द अपलोड करने के लिए दिए गए निर्देश। हाउस होल्ड सर्वे, अध्यापक शिक्षा मित्र अनुदेशक घर घर जाकर बच्चे चिन्हित कर उनका नामांकन करवाएं। अब खबर विस्तार से। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हो, आज कैबिनेट की मीटिंग हुई और कई फैसले लिए गए हैं। आज की पहली खबर हम लेते हैं। प्रिय अनुदेशक साथियों, नमस्कार। आज बेसिक शिक्षा विभाग के मुखिया श्री संदीप सिंह जी को उनके आवास पर व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री व निर्विरोध विधान परिषद सदस्य गोरखपुर क्षेत्र प्रभारी श्री अनूप गुप्ता जी से पार्टी कार्यालय पर स्नेहिल मुलाकात कर प्रदेश के अनुदेशक शिक्षकों की तरफ से हार्दिक बधाई दी गई तथा प्रदेश के अनुदेशक शिक्षकों की न्यायोचित समस्याओं के समाधान हेतु सहयोग करने का अनुरोध किया गया। साथियों, हमारे अनुदेशक न्यूज चैनल ने इस पोस्ट को टेलीग्राम से लिया है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, अन्य सोशल मीडिया पर ये पोस्ट वायरल हो रही है। अनुदेशक लीडर्स की ये पोस्ट है और इसमें अनुदेशक लीडर्स ने मुलाकात की है बेसिक शिक्षा मंत्री जी से और अपनी समस्याओं को रखा। आगे लिखा है इस पोस्ट में, तत्पश्चात निदेशालय जाकर नई शिक्षा नीति के तहत नियुक्तिकरण व तत्काल प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई मानदेय बढ़ोतरी 2000 की घोषणा, समस्त जनपदों में पुनः स्थानांतरण व अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु महानिदेशक महोदया को पत्र प्रेषित किया गया व उक्त मुद्दों पर संयुक्त निदेशक बेसिक शिक्षा श्री गणेश कुमार सर से विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें मानदेय बढ़ोतरी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित अनुरूप फाइल तैयार है, इस माह के अंत तक कैबिनेट में जाकर उसको मंजूरी मिल जाएगी। अंतिम तक फाइल होने की उम्मीद है, इस माह के अंतिम तक फाइल पूरी होने की उम्मीद है। स्थानांतरण व अंतरजनपदीय स्थानांतरण हेतु प्रयास किया गया है और लगातार पैरवी करनी होगी, जिससे महामई या जून में स्थानांतरण अंतरजनपदीय स्थानांतरण को शासनादेश कराकर पूर्ण कराया जा सके। चूँकि स्थानांतरण व अंतरजनपदीय स्थानांतरण में वित्तीय भार नहीं पड़ता है, इसलिए थोड़ा मेहनत कर इसको पूरा कराया जा सकता है। ये पोस्ट अनुदेशक लीडर्स ने की है। उक्त मुलाकात में मेरे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश शुक्ला जी सीतापुर, प्रदेश कोषाध्यक्ष रणवीर सिंह जी बाराबंकी, प्रदेश महासचिव धर्मेंद्र शर्मा जी अदोई, प्रदेश सचिव अजीत कुमार देवरिया, प्रदेश मंत्री अरुण मिश्रा जी सीतापुर, आदर्श सिंह जिला संयुक्त मंत्री बाराबंकी, इंद्रेश यादव ब्लॉक संयोजक सरौली गौस बाराबंकी उपस्थित रहे। ये राकेश पटेल जी के द्वारा पोस्ट की गई है, जिसको टेलीग्राम से हमारे समाचार चैनल ने लिया है। अब खबर है, मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज कराएं विवरण सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश। लखनऊ से खबर है, प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे मानव संपदा पोर्टल पर विद्यालय नामांकित छात्रों व शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशकों का विवरण जल्द से जल्द दर्ज करवाने का कष्ट करें। ये आदेश आ रहा है लखनऊ से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए। और इसमें मानव संपदा पोर्टल पर बच्चों सहित शिक्षक अनुदेशक शिक्षा मित्रों का विवरण दर्ज कराने के लिए कहा गया है। इसका विवरण अपलोड ना होने से सही डाटा तैयार करने में परेशानी हो रही है। परिषद सचिव पीएल बघेल ने निर्देश दिया है कि ये जरूर लिखे कि विद्यालय ग्रामीण या शहरी, 24,326 कंपोजिट स्कूलों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों का ही विवरण पोर्टल पर दर्ज करवाएं। ये आदेश आ रहा है और जल्द से जल्द इसका पालन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, ताकि सही डाटा प्राप्त हो सके और
अन्य कार्य सुचारू रूप से चल सकें। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार संभालने के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी वरीयता भी तय कर ली है। भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार विकास कार्य को गति देने के क्रम में मुख्यमंत्री लगातार बैठक करने के साथ ही विभागों की कार्य योजना भी परख रहे हैं। मंगलवार को लाल बहादुर शास्त्री भवन एनएक्सी में अब कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। मीटिंग संपन्न हुई, सफल मीटिंग संपन्न हुई है और एनएक्सी में कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक ही गाड़ी से पहुंचे। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक के साथ वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी तथा अन्य कैबिनेट मंत्री उपस्थित रहे। मंत्रिमंडल ने जिन 14 प्रस्तावों को लगाए उनमें सर्वाधिक फोकस पर्यटन विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं पर था। बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रदेश ब्रजेश पाठक तथा वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी कैबिनेट की मीटिंग में जानकारी दी। शिक्षकों को निर्देश दिए हैं कि 30 अप्रैल तक एक भी बच्चा बिना स्कूल छूटना नहीं चाहिए, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हाउस होल्ड सर्वे में सभी अध्यापक शिक्षा में तरुण निदेशक घर घर जाकर बच्चों को चिन्हित करेंगे और उनका नामांकन कराना सुनिश्चित करेंगे। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। मिलते हैं शिक्षा विभाग की किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोविड नियमों का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।